हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ट्रिप है, आज मैं अपने गाड़ी का मरम्मत करवाना है, थोड़ा प्रॉब्लम है गाड़ी में, तो मैं आज इसको लेके जा रहा हूँ एक गैरेज पे। मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे एक कोसी ऑटोमोबाइल है, टेक्नीशियन रंजीत जी हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाइए, 2 बजे का टाइम दिया है, चलिए देखते हैं, जाते हैं उनके पास, देखते हैं काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्योंकि सुपौल में एक दिक्कत यह है कि महिंद्रा का शोरूम जहाँ पे है तो सर्विस सेंटर में महिंद्रा जो है यहाँ पे काम नहीं करता है। सर्विस सेंटर यहाँ सिर्फ महिंद्रा का स्कॉर्पियो तक ही गाड़ी का काम करता है, स्कॉर्पियो से ऊपर नहीं करता है। मेरा 125 00 है, तो उन्होंने बताया कि इसका काम नहीं हो पाएगा, इसके लिए आप तो सहरसा जाइए या नहीं तो पूर्णिया लेके जाइए। तो मेरे पास टाइम का कमी है इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे लेके, तो चलिए देखते हैं लोकल में बनवा के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, वहाँ पे काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अभी बात हुई है कि उन्होंने बताया कि अभी 1 घंटे बाद आइएगा, लेकिन मैं घर से निकल गया था, मैं बोला चलो कोई नहीं वहाँ जाके वेट ही कर लेंगे, तो अभी चलते हैं तो फिर मिलते हैं आपको वहाँ। तो चलिए आ गए हैं न्यू पुलिस लाइन के सामने, जस्ट इसके अपोजिट साइड में ही है और यहीं से हमको माया लेना है, यहीं सामने में ही गैरेज है। चलिए गैरेज के अंदर चलते हैं, देखते हैं। क्या रंजीत जी, कैसे हैं? ठीक है, अपना बताइए। एक्चुअली मेरे गाड़ी में जो है ना एक कब से चल रहा है चेक लाइट, 1 महीना से प्रॉब्लम चल रहा है। इससे पहले भी हम दिखाए थे कहीं टेक्नीशियन के पास, लेकिन वो बोला कि गाड़ी 2 दिन आप रखिए, उसके बाद हम प्रॉपर इसको स्कैनिंग करने के बाद उसके बाद देखेंगे क्या दिक्कत है। और कोई दिक्कत पिकअप के रिलेटेड वगैरह कोई? पिकअप में थोड़ा इशू है, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो रेस देने के बाद प्रॉपर रेस नहीं ले पा रहा है। तो ठीक है, चलिए उम्मीद लेके आए हैं, तो उम्मीद पर तो खरा जरूर चलिए। दूसरा टेक्नीशियन भी आ गया है और मेरा ड्रॉग भी इनको परेशान कर रहा है, देखते हैं कि अब ये क्या करने वाला है। क्या क्या लेके आए हैं आप हाथ में, आप क्या है? ओपीडी लगा रहे हैं। ओपीडी है, इससे क्या होता है? चलिए गाड़ी का स्कैनिंग देखिए, देखिए डिवाइस को लगा दिया गाड़ी के अंदर। चलिए कहाँ डैशबोर्ड नीचे लगता है क्या, इसके अंदर नीचे नीचे लगता है। चलिए देखिए दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको, इसमें लाइट भी आ गया है, तो अब उसके बाद देखते हैं अभी इसका क्या प्रोसेस। चलिए अब आपका मेन मिस्त्री भी आ गए हैं रंजीत जी, तो आप जो अभी स्कैनिंग लगाए हैं इसका क्या प्रोसेस रहता है? इसका इसमें जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट वगैरह कहीं से भी होगा तो पता चल जाएगा इसमें। थे तो लगभग इसका 10-12 या 14 तक निकालते थे, लेकिन अभी 1 महीना से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि लगभग ये 10 से ज़्यादा माइलेज नहीं निकाल रहा है। इससे हम काफ़ी परेशान थे क्योंकि इसका चेक लाइट इशू था ही, और अभी आप इसका प्रोसेस अभी चालू है इसका ना।
क्लीनिंग कंप्लीट, फिर एक बार हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। दिखाइए इधर क्लस्टर मीटर में, अभी तक तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा है हमको चेक लाइट का। इसका मतलब आपसे भी नहीं होने वाला है रंजीत जी, क्या? बिल्कुल होगा, होगा कहीं नहीं, कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है जो कि असंभव है। नहीं ऐसा, हर चीज संभव है। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है कि बार बार ऐसा प्रॉब्लम हम मेरे साथ छूटा ही नहीं। चलिए अब दूसरा भी देख लीजिए, बोनट आप खोल ही रखे हैं, और बोनट खोलने के बाद देखिए आप क्या दिक्कत है। तो इसमें एयर फिल्टर से क्या लेना देना है? एयर फिल्टर जो कि रिलेटिव से ही चेक लाइट जलने लगता है। अच्छा, और अगर ये सही है तो उसके बाद हम इसका मास सपोर्ट सेंसर का वायरिंग चेक करेंगे, और वायरिंग चेक करके उसके बाद सेंसर चेक करेंगे। चलिए तब तक मैं चाय का चुस्की लेते लेते, तब तक मैं इनका जो है एयर फिल्टर भी खुल चुका है, अब देखते हैं एयर फिल्टर में क्या। रंजीत जी आप देख बताइए अब क्या दिक्कत है, आप तो चाय के चक्कर में लगा दिए हैं और अपना एक एक दूसरा टेक्नीशियन लगाए हुए हैं। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिल्टर वगैरह इतना ठीक है ये। अच्छा, अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। बैटरी तार में खोला, बैटरी तार खोल के इसको खोल, वायरिंग में तो हमको नहीं लग रहा है कहीं से अभी तक फॉल्ट दिख रहा है। ये सेंसर खोल के जो है, अगर सेंसर खोलवाते हैं इसका, मास एयरफ्लो सेंसर करते हैं इसको। अच्छा, ठीक है, इसी का कोड भी आ रहा था क्या, इसी का रिलेटिव। यहाँ पे लगभग गाड़ियाँ जो है, बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है। ये देखिए साइबर थाना सुपौल का भी गाड़ी है, ठुकी हुई गाड़ी है, एक्सीडेंट पड़ा हुआ ये भी खड़ी है यहाँ पे गाड़ी, यहाँ वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे। और यहाँ पे बॉडी शॉप का भी काम अभी चल रहा है, छोटा सा ही गैरेज है लेकिन गाड़ी का कमी नहीं है यहाँ पे, सारा गाड़ी यहाँ पे काम चल रहा है, सब गाड़ी का काम होता है यहाँ पे। वायरिंग चेक कर रहे हैं एक बार अपने से, देखते हैं, चलते हैं गाड़ी के अंदर, चलिए देखते हैं इनका प्रॉब्लम सॉल्व। हट गया है, चेक लाइट गाइस हट गया है।
जो कि हम इसी कारण से बहुत परेशान चल रहे थे। चेक लाइट इसमें लगभग कोई पार्ट्स नहीं लगाया, कोई सामान चेंज नहीं किया, टाइम भी देखिए बहुत कम टाइम इनको काम करती थी। तो अगर अगर यहाँ पे आना चाहेगा कोई अगर तो कैसे आएगा बताइए, थोड़ा एड्रेस अपना बताइएगा। सहरसा रोड न्यू पुलिस लाइन के अपोजिट में मेरा न्यू पुलिस लाइन बना है, उसी के सामने में मेरा वर्कशॉप है कुशी ऑटोमोबाइल। अच्छा, वहाँ पर आप आ सकते हैं। तो क्या चार्ज रहता है आपका? चार्ज तो हर चीज़ का जो है अलग अलग है, उसमें जो है चार्ज काम के हिसाब से चार्ज होता है। चलिए एक बार गाड़ी हम लोग टेस्ट ड्राइव करें, क्या टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं, फिर इनका कहीं दबा ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है। अनलॉक करिए, सब लोग निकल चुके हैं और अभी जैसे 5 किलोमीटर के अराउंड अभी तक हम लोग आए हैं। तो अभी 5 किलोमीटर तक में अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम अभी तक नहीं डिटेक्ट हुआ है। फिर से व्हाट्सएप पे लौट रहे हैं हम लोग, शाम भी हो चुकी है, हम लोग बहुत सवेरा आए थे, रंजीत जी को टाइम नहीं मिल पाया था, दूसरा गाड़ी में काम कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा हमको टाइम देना पड़ा। इसलिए कोई नहीं, टाइम दिए तो काम भी हो गया है, अभी तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है, आगे देखेंगे, आगे भी आने का चांस हो सकता है रंजीत जी। रीजन होता है चेक लाइट आने का। अच्छा, अपना अपना किसी का तजर्बा होता है काम करने का, ठीक है। कोई अभी तो आप सकता है, वैसे भी अभी आप इजी वे में इनको अभी ठीक किया है, इसमें तो कुछ समस्या अभी तक तो ना भी, जगह हम ले गए व्हाट्सएप पे सब जगह, तो हमको यही बताया कि एक दिन रखिए, दो दिन रखिए, उसके बाद हम स्कैनिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमको संतुष्टिजनक जवाब अभी तक कहीं भी मिला नहीं। लेकिन अभी आपके पास आए तो हमको लगता है कि मुश्किल से 10 मिनट का काम होगा। तो ये जो चेक लाइट का प्रॉब्लम था अभी तक में इसका हट चुका है, वही आपको दिखा रहे थे कि माइलेज मेरा अभी शो कर रहा है 10.4 पड़ेगा ये। तो माइलेज में जो इशू हम बताए थे, तो माइलेज का क्या प्रोसेस रहेगा इनका? उसको डिस्प्ले के जो एक बार रिसेट मार के फिर से चला के देखिए, माइलेज सब चीज़ जो है इसका जो है जगह पर आ जाएगा माइलेज से रिलेटिव से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर दिखा दीजिए इनको, अभी देख लीजिए चेक लाइट वगैरह बोला, फिर नंबर तो नहीं लगाना पड़ेगा ना, अभी तो कम से कम 2 घंटा आपका वेट किए थे। फर्स्ट टाइम में आइए। चलिए ठीक ठीक है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। चलिए ठीक है रंजीत जी, चलिए आप व्हाट्सएप से निकलते हैं, रात हो गई है तो नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम अब रुकें, क्योंकि बच्चे भी परेशान हैं, साथ में डॉग भी है, तो उसी कारण से अभी निकलना पड़ेगा। अभी तक जो मेरा प्रॉब्लम था अभी तक तो डिटेक्ट नहीं हुआ है, जिस प्रॉब्लम के साथ में आए थे। We'll be right back.